दोस्तों, अगर आपने मिस्टर मीट हॉरर स्टोरी के बाकी के पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले उसे देख लें, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि गुल्ले मिस्टर मीट को चिढ़ा रहा होता है, तभी मिस्टर मीट इसको पत्थर मार देता है और रॉड भी इसके पीछे चला जाता है और मिस्टर मीट को इन दोनों के बारे में पता चल जाता है और ये इनका दरवाज़ा तोड़ देता है। तभी रॉड इसको डंडे से मार के इसको बेहोश कर देता है और ये लोग यहाँ से फौरन जाने लगते हैं। तभी मिस्टर मीट दोबारा खड़ा हो जाता है और बुल्ली को लात मार देता है और एक नुकीली चीज़ बुल्ली के आर पार हो जाती है। ये दोनों डर के मारे पेड़ पे छिप जाते हैं, लेकिन शॉन पेड़ पे नहीं चढ़ पाता है और मिस्टर मीट इसके पीछे लग जाता है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। शॉन और मिस्टर मीट के जाने के बाद गुल्ली कहता है कि रॉड, हमें शॉन को बचाने जाना होगा, जल्दी नीचे उतरो। रॉड कहता है कि गुल्ली, हमारे पास यही मौका है, हम बाबा के पास चलते हैं, बाबा ही हैं जो हम सबको बचा सकते हैं। गुल्ली कहता है कि लेकिन रॉड, हम शॉन को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। रॉड कहता है कि गुल्ली, शॉन मिस्टर मीट को अभी काफ़ी देर तक दौड़ाएगा, तब तक हमारे पास मौका है बाबा के पास जाने का। गुल्ली कहता है कि रॉड, हम बुल्ली को अपने साथ ले चलते हैं, अगर बाबा इसका कुछ कर पाएंगे तो बहुत सही रहेगा। रॉड कहता है कि गुल्ली, हम पहले बाबा के पास ही जाएंगे, फिर बाबा आके बुल्ली को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तुम जरा इसका वजन तो देखो, भला इसको कौन उठा पाएगा। गुल्ली कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया रॉड, चलो चलते हैं और फौरन बाबा को लेके आते हैं। और अब ये लोग रास्ते पे आ चुके हैं। गुल्ली कहते कि रॉड, क्या तुम्हें यकीन है कि यही सही रास्ता है? अरे गुल्ली, तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं होता है? तुम बेफिक्र हो जाओ, बस 10-15 मिनट में हम बाबा के घर पे होंगे, बस तुम अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ा लो चलने की, वरना ऐसे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। और इधर मिस्टर मीट शॉन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, शॉन मिस्टर मीट को दौड़ाए जा रहा है। मिस्टर मीट अब काफ़ी थक चुका है, लगता है कि शॉन ने इसको दौड़ा दौड़ा के थका दिया है और मौका मिलते ही शॉन छिप गया। और इधर मिस्टर मीट दोबारा से शॉन को देखने लगता है, लेकिन इसको शॉन दिखाई नहीं देता है। और अब मिस्टर मीट इसको इधर उधर ढूंढने लगता है और शॉन इसको छिप के देख रहा है। और ये दोनों कुछ ही देर में बाबा के घर पे आ जाते हैं। बुल्ली कहता है कि बाबा कहाँ हैं, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? रॉड कहता है कि गुल्ली, क्या पता बाबा घर के अंदर हों, तुम जाओ और बाबा को बुलाओ, मैं यहीं पर रुकता हूँ। और गुल्ली बाबा के घर के दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है और बाबा को आवाज़ लगाता है, लेकिन इसको कोई जवाब नहीं आ रहा। गुल्ली गुस्से में खुद ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगता है। रॉड कहता है कि गुल्ली, तुम लगे रहो, मैं भी इधर बाबा को ढूंढता हूँ, शायद बाबा इधर कहीं हल्का हो रहे होंगे। और रॉड भी बाबा को ढूंढने लगता है, लेकिन शायद बाबा इधर भी नहीं है। रॉड कहता है कि गुल्ली, बस हो गया, रहने दो, आके यहाँ पे बैठ जाओ, हम बाबा का यहीं पे इंतज़ार करते हैं, शायद बाबा यहाँ पे नहीं हैं। और रॉड की बात मान के गुल्ली आके बेंच पे बैठ जाता है और कहता है कि रॉड, अगर बाबा हमें जल्दी नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, शॉन तो मारा जाएगा ऐसे। रॉड कहता है कि गुल्ली, हम इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। और इधर मिस्टर मीट शॉन को देख लेता है और शॉन की ओर ही आने लगता है। शॉन यहाँ से फौरन भागने लगता है, लेकिन मिस्टर मीट के पैर पत्थर से टकरा जाते हैं और ये नीचे गिर जाता है। शॉन इसको देख के बहुत खुश होता है। तभी मिस्टर मीट खड़ा हो जाता है और शॉन को हंसते देख के आग बबूला हो जाता है और शॉन को दोबारा दौड़ाने लगता है। तभी मिस्टर मीट शॉन को पत्थर फेंक के मार देता है और शॉन को ज़ोरदार चोट लग गई है। शॉन धड़ाम से नीचे गिर जाता है और अब मिस्टर मीट इसके पास आने लगता है और अब शॉन बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। और इधर बाबा घर की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। बाबा को देख के ये दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, अरे तुम दोनों का यहाँ कैसे आना हुआ, कोई पार्टी वार्टी का प्लान है क्या? गुल्ली कहता है कि बाबा, आपने मिस्टर मीट के बारे में सुना है क्या? बाबा कहते हैं, हाँ उसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है, वैसे तुम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? रॉड कहता है कि बाबा, गुल्ली बुल्ली और शॉन ने मिस्टर मीट से पंगा ले लिया है और बुल्ली को तो उसने मार दिया है और अब वो शॉन के पीछे पड़ा हुआ है,
हमें आपकी मदद चाहिए इससे पहले कि मिस्टर मीट शॉन को भी मार दे। बाबा कहते हैं, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जल्दी मुझे वहाँ ले चलो। और ये तीनों भागते भागते रोड पे आ चुके हैं। बाबा कहते हैं कि तुम लोगों के पास गाड़ी नहीं थी क्या, ऐसे भागते हुए जाने में तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। रॉड कहता है कि बाबा मेरी गाड़ी को मिस्टर मीट ने उठा के फेंक दिया था, उसकी वजह से मेरी पूरी गाड़ी टूट गई। गुल्ली कहता है कि और बाबा मेरी गाड़ी तो एक गांव में पड़ी हुई है। बाबा कहते हैं ठीक है, मैं तेज़ी से दौड़ के जा रहा हूँ, तुम दोनों आराम से आना। और यहाँ पे तो मिस्टर मीट ने शॉन का गला पकड़ रखा है और लगता है कि अब ये शॉन को मारने वाला है। अरे अभी अभी ये क्या हुआ, मिस्टर मीट को अचानक से क्या हो गया, ये तो हमारे बाबा हैं, ये तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे आ गए और लगता है कि इन्होंने ही मिस्टर मीट को मारा है। बाबा बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, मिस्टर मीट की तो हालत ही ख़राब हो चुकी है। अरे अब ये बाबा क्या करने का सोच रहे हैं, बाबा ने तो मिस्टर मीट को पत्थर के नीचे दबा के मार दिया। शॉन बाबा को देख के बहुत खुश होता है, इसको लग रहा था कि आज ये मारा जाएगा। बाबा कहते हैं कि शॉन तुम ठीक तो हो ना। शॉन कहता है कि हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं शॉन, लेकिन अब तुम मुझे फौरन बुल्ली के पास ले चलो। शॉन कहता है कि ठीक है बाबा, और अब शॉन बाबा को लेकर बुल्ली के पास आ गया। शॉन कहता है कि ये देखिए बाबा, ये रहा बुल्ली। बाबा कहते हैं कि ठीक है शॉन, अब तुम थोड़ी दूर खड़े हो जाओ। शॉन कहता है कि बाबा आपने क्या किया, बुल्ली तो अभी भी वैसे ही पड़ा है। अरे वाह बाबा, ये तो जाग पड़ा। बाबा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल शॉन, बुल्ली को तो जागना ही था। बुल्ली कहता है कि बाबा आपने तो मेरी जान बचा ली, आप कमाल के हो। शॉन कहता है कि लेकिन बाबा बुल्ली तो मर चुका था ना, आपने दोबारा इसको जिंदा कैसे कर दिया। बाबा कहते हैं इसकी सांसें अभी चल रही थीं, मैंने तो बस इसके घाव भरे हैं, तुम्हारे बस का नहीं है ये समझना। बुल्ली कहते हैं कि लेकिन बाबा गुल्ली और रॉड कहाँ हैं, वो लोग दिखाई नहीं दे रहे मुझे। बाबा कहते हैं कि वो दोनों आते ही होंगे, तुम चिंता मत करो, ये लो ये दोनों भी आ गए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।